हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसका फुल प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से बाइंडिंग करते हैं। तो इस मशीन को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं, और आपको यहाँ पे सेटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम एक कॉइल लेते हैं, ये आप कॉइल देख पा रहे हैं, इस कॉइल को हमने ले लिया है। ये हमारा 12+12 में है, जो कि इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग कर देना है। तो देखिए, इस पे और इस पे आपको इसको यहाँ पे इस तरह से सेटिंग कर देना है। देखिए, इस तरह से लगा के सेटिंग कर देना है, और इसके बाद में इसको आपको इस साइड में रखना है। देखिए, इसमें जो ये स्लॉट दिख रहा है ना, इस स्लॉट में आपको इसके अंदर का ये सिरा रखना है। देखिए, इस तरह से, इस तरह से, देखिए, इस तरह से आपको सेटिंग कर लेना है। बात देख कर रहे हैं, ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अब इन डाई को आपको सेटिंग करना है। इसको आप, क्योंकि ये हमारा मास्टर डाई है, इसको आप घाटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से इसमें प्रॉपर जगह बना रहना चाहिए, ताकि इसमें से वायर जा सके। तो इसको आपको सेटिंग कर लेना है, और सबसे बाद इसके बाद में आपको यहाँ पे देख लेना, इसमें आपको जितना वायर बाइंडिंग करना है उतना आपको सेट कर देना है। तो क्योंकि दोस्तों हमने इस पे सेटिंग कर दिया है, देखिए 330। तो इसको आपको किस तरह से सेटिंग करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये प्रेस टू सेट जो ये लिखा हुआ है, इसको आपको इस तरह से दाब देना है। इसके बाद में आपको बढ़ाना है, तो ये प्लस देख लीजिए, इसको इस तरह से दबा दीजिएगा और ये बढ़ जाएगा। और अगर आपको घटाना है तो इस वाले माइनस के बटन को इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए, इस तरह से ये घट बढ़ जाएगा। तो इस पर हमने ये देखिए 330 सेटिंग कर दिया है। इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, और इसके बाद में आपको बाइंडिंग करना है। तो देखिए, इसमें ये वायर लगा हुआ है कॉपर का, और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। अब इस तरह से चलाकर देख लेना है। देखिए, इसमें हमारा वायर जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें हमारा प्रॉपर जगह बना हुआ है वायर जाने के लिए। इसको आपको सही से सेटिंग कर लेना है। अब आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा वायर जाने के लिए प्रॉपर जगह बना हुआ है। देखिए, इस साइड में हमारा प्रॉपर जगह बना हुआ है, ताकि इसमें से वायर हमारा आसानी से जा सके। इसके बाद में आपको स्टार्ट कर देना है। देखिए, ये रेड बटन जो दिख रही है, इसको आपको एक बार इसको दबाना है इस तरह। अभी हमारा बाइंडिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा बाइंडिंग हो चुका है, और इसी तरह से दूसरी कॉइल भी बाइंडिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वायर को इस तरह से, और इसके बाद में आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है, और इसके बाद में इस तरह से हल्का सा घुमा देना है, और इसके बाद में फिर इस तरह से लगा देना है, और इसके बाद में आपको हाथ से एक राउंड इस तरह से घुमा लेना है। देखिए, इस तरह से हाथ से एक दो राउंड घुमा लेना है। इसके बाद में मशीन को स्टार्ट करना है। तो इसके बाद में आपको ये काली बटन जो दिख रही है, इसको आपको इस तरह से दबा देना है। नीचे के साइड में आपको दबाना है। ये हमारा बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका इसी तरह से फुल प्रोसेस है, और आप इसी तरह से इसको बाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक राउंड इस साइड में रिवाइंड करना है, और एक साइड इस साइड में रिवाइंड करना है, इस साइड में। तो इस तरह से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, ये हमने दो कॉइलें रिवाइंड कर लिया है, और इसी तरह से बाकी के इन सभी कॉइलों को रिवाइंड कर देते हैं। इसके बाद में आपको फिनिशिंग दिखा देते हैं। तो चलिए, इसको रिवाइंडिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो इसको रिवाइंडिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर लेते हैं, और इसके बाद में आपको इसका रिवाइंडिंग करके आपको दिखा देते हैं क्या फिनिशिंग रहती है।
तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा कॉल रिवाइंड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में हमने इसको रिवाइंड कर दिया है। देखिए क्या फिनिशिंग के साथ में रिवाइंड कर दिया है और इसमें स्लॉट पेपर लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लग जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें आसानी से स्लॉट पेपर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।